श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष रामनवमी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से करने का निर्णय लिया गया है। रामनवमी महोत्सव की जानकारी पत्रकार वार्ता में देते हुए श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि पिछले दो वर्षों से वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण श्री राम नवमी का कार्यक्रम नहीं किया गया था, परंतु इस वर्ष श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष 10 अप्रैल दिन रविवार को होने वाले राम नवमी का कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। आयोजन को व्यापक रूप देने के लिए सभी प्रखंडों पूर्व प्रखंड, पश्चिम प्रखंड, वैशाली नगर प्रखंड, कैंप प्रखंड, दिसाली प्रखंड, कुम्हारी प्रखंड, भिलाई 3 चरोदा प्रखंड, कुर्सीपार प्रखंड एवं सुकपेला प्रबंधक के अध्यक्ष व महामंत्रियों द्वारा अपने अपने प्रखंड से धर्म ध्वजा निकालकर पावर हाउस चौक होते हुए सेक्टर 1 उलन मार्केट स्थित रामलला मैदान में पहुंचेंगे, जहां धर्म सभा का आयोजन किया गया है। श्री राम जन्मोत्सव समिति का आयोजन सन 86 से चल रहा है और ये 37वां वर्ष है। राम मंदिर के आंदोलन में जब पूरे भारत में सभी राम भक्त और हिंदू भक्त एकजुट हुए थे, तो उस राम मंदिर के बनाने के लिए, जो विस्तारीकरण के लिए पूरे समूह को एकजुट होने के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति का गठन हुआ था। और 2020 में 5 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, तो वो उद्देश्य की पूर्ति के बाद सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति काम कर रही है और ये 37वां वर्ष है। हमारे भव्य रूप से इस रैली को मनाने के लिए सभी समिति के लोग, युवा शाखा, महिला शाखा और मुख्य शाखा प्रत्येक वार्ड स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और एक भव्य शोभा यात्रा संपूर्ण क्षेत्रों से निकलने की उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग इस बार निकलेंगे। हमारे मंच पर मुख्य रूप से मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री सुनील देवधर जी, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ के प्रचारक भी रहे हैं, ऐसे सुनील देवधर जी हमारे मंच पर रहेंगे। आदरणीय श्री 1008 बाबा बालक दास जी महाराज हमारे मंच पर उपस्थित रहेंगे। समिति के संरक्षक आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी समिति के मंच पर रहेंगे और हमारी समिति के सभी वरिष्ठ लोग और सभी मातृशक्ति इस आयोजन में रहेंगी। मैं भिलाई समेत संपूर्ण दुर्ग जिले में, जो शिवनाथ नदी से लेकर खारू नदी के बीच में क्षेत्र आता है, सभी मातृशक्तियों को और सभी राम भक्तों को विशेष निवेदन करता हूँ कि अपने घर में दिया भी जलाएं और साथ ही साथ इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर हम सबका उत्साहवर्धन करें। इस समय राजनांदगांव जिले के कुछ ग्राम हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और हमारे जो कार्यक्रम होता है, हम सब चाहते हैं कि प्रत्येक जिलों में हो ऐसा आयोजन और ये प्रेरणा सबको मिले और लोगों को जोड़ने की भावना से और जिस उद्देश्य से हमारा ये आयोजन चालू हुआ है कि सर्व हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए और हिंदुत्व का झंडा ध्वज सबसे ऊपर रहे, इस कल्पना के साथ ये आयोजन हुआ है। तो आयोजन प्रत्येक जिलों में होना चाहिए, देश के कोने कोने में होना चाहिए। वहाँ जिस जगह पर देखिए, संकल्प अभी भी है और संकल्प हमेशा रहेगा। अब हम लोगों ने संकल्प राम मंदिर का 90 में रखा था, उसका संकल्प जब राम जी ने चाहा तो 2020 में बना, तो संकल्प अभी भी लिया है। हनुमान जी की जब इच्छा होगी, जब उनका आशीर्वाद होगा, तो निश्चित तौर पर एक भव्य हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ भी स्थापित होगी।